ये देखो गाइस, मम्मी ने ब्लाउज में कलाकारी करी है, तो इसको देखकर मुझे मन हुआ कि मैं इसको पहन कर देखूँ। अब इसको पहन कर देख रही हूँ तो मैंने सोचा साड़ी पहन कर क्यों ना देख लूँ जो मुझे मिली थी। तो मैं ये वाली साड़ी उठाकर लेकर आई थी, बट इस पर क्या है कि इस पर ना ये सिल्वर कलर की डिज़ाइन है और ये ब्लाउज है गोल्डन कलर का। पहनना मुझे ये साड़ी है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैं भी ये मम्मी का ये वाला ब्लाउज उठाकर लेकर आई हूँ, पुराना है थोड़ा सा, तो ये भी पहनकर देखूंगी, इसके हिसाब से साड़ी उठाकर लाऊंगी, पर पहले मैं ये पहनकर देख रही हूँ। तो अभी मैंने अपना थोड़ा सा टचअप कर लिया है क्योंकि जैसे मैं साड़ी पहनूंगी तो उसके हिसाब से थोड़ा लुक आना चाहिए ना, इसलिए मैंने लिपस्टिक लगा ली और आईलाइनर लगा लिया। सही बताऊँ तो मुझे साड़ी पहनना नहीं आती है, ये मैंने पता नहीं कैसे पहन ली। और ये देखो, एक सेकेंड दिखाती हूँ, ये देखो मैंने इसका पल्लू इतना नीचा कर दिया, मुझे मतलब समझ में ही नहीं आया ये इतना नीचा हो गया। यार ये ज़्यादा नीचा हो गया, इस पर ना मेरा पैर आ रहा है बार बार। मुझे है ना ऐसे ओपन वाली अच्छी लगती है, अगर मैं इसमें ज्वेलरी पहन लूँ वही गोल्डन वाली सॉरी वही सिल्वर वाली तो कैसी लगेगी। ये वाली मैंने इंगेजमेंट में पहनी थी ना, वही वाली। और ये ओवर लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ किया ही है तो ये और पहन लूँ, थोड़ा कंप्लीट लुक हो जाएगा, मैं फोटोज ही निकाल लूंगी अपनी। ये देखो मुझे ऐसे पकड़ के चलना पड़ता है साड़ी को। अभी मैं अपनी हील्स पहन लूँगी। यार साड़ी में चलने की आदत नहीं है तो ऐसे लगता है कि मैं गिर ना जाऊँ। आज मुझे लग रहा है कि आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। एक बात है, साड़ी पहनना आसान नहीं है, जितना सोचा था उतना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहाँ जा रही है साड़ी मेरी, ये देखो यहाँ जा रही है साड़ी मेरी। यार मतलब थोड़ा पोज दे लो थंबनेल के लिए। यार अब नहीं पहनना साड़ी, यार मेरे को बिल्कुल नहीं पहन सकती अब मैं, भाई साहब बहुत है इतने। अब तो जा रही हूँ मैं चेंज करने। अरे यार चुभ रही साड़ी, यहाँ से चुभ रही। हाँ मस्त आलू के पराठे बनाए मम्मी ने, आज तो मैं जमीन में बैठ के खाऊंगी। और चेंज कर लिया है मैंने, मतलब बैलेंस नहीं बनता यार साड़ी में। मुझे पता और भी साड़ियाँ पहन के देखनी थी, अब मैं बाद में पहन के देखूंगी, अभी नहीं। तो गाइस ये मेरी स्पेशल चम्मच है, इसी से खाती हूँ मैं हमेशा। यार मैं खाने में इतना ज्यादा नमक डाल लेती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। खाना खाने के बाद मिलती हूँ, मतलब मुंह धोने के बाद मिलती हूँ। खाना मैंने खाना खा के मुंह धोऊंगी और बस ठीक है। पराठे ठंडे हो रहे हैं मेरे, बाद में बात करती हूँ, ठीक है बाय। अब हो रही है हमारी करवा चौथ की तैयारी। फूल भी टूट रहे हैं, सनसेट। तो मुझे यहाँ झाड़ू लगाने का काम मिला है गाइस, ये देखो झाड़ू लगा रही हूँ मैं। अरे यार मैंने सोचा था कि यहाँ बैठ के थोड़ी सी वीडियो बना लूंगी, पर यहाँ इतने ज्यादा बंदर आ गए अचानक से, पता नहीं कहाँ से आ गए। अब मुझे लग रहा है कि मैं नीचे चली जाऊँ। तो मैं बस इतना ही कह रही थी कि बस शाम हो गई है, अभी मम्मी तैयारी करेंगी। करवा चौथ पर इतना ज्यादा लेट चांद निकलता है, मतलब हर बार का यही सिस्टम है,
करवा चौथ के दिन ही इतना लेट चांद निकलता है, आप सबको तो वैसे ही पता होगा। मतलब बेचारी जो करवा चौथ का व्रत रखती होगी वो इतना ज्यादा देर तक कैसे बिना खाए पिए रहती होगी, मुझे यही बात समझ में नहीं आती। मतलब सारी आंटियां सारी भाभियां सब छत पे खड़े होके चांद का इंतजार करती हैं कि कब चांद निकलेगा कब चांद निकलेगा, लेकिन चंदा मामा है कि वो इतना ज़्यादा वेट करा लेते हैं सबसे। और यहाँ पे मतलब ऐसे कंपटीशन चलता है कि कौन सबसे पहले पूजा करेगा। मतलब क्या क्यों, मतलब सबसे पहले पूजा करने से मतलब क्या होगा। अब मम्मी जादू दिखाएंगे। वाह, ये देखो मेरी मैगी, मैं कल बनाऊंगी, आज नहीं बनाई मैंने। नेस्कैफे, इसमें क्या है, मावर। यार मुझे मावर लगाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे ना पैर बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं। उठाओ चूड़ी, कौन सी चाहिए, कौन सी वाली पहन रही है, ये वाली। तो ये वाला सेट पहन रही है मम्मी, यू कैन सी दैट। एक एक भूल गई, दो पहने एक मैं भूल गई, बड़े स्टाइल में पूजा कर रही हूँ। देखो 9 बजे निकला है चांद, मतलब 9 बज गए पूजा करते करते। फूल सुन फूल रख गा बाबा, पांव तो छीले, हटा लो बाबा फूल। अब हाथ तो अच्छे। बस मेरा प्रसाद।